हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज मैं गर्मा गर्म आलू और फिश कड़ी में दिखाऊंगी, बंगाली डिश है, तो आई होप आप सबको अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को, और बहुत ही अच्छी रेसिपी है, फुल वॉच कीजिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन पर जरूर हिट कीजिएगा और लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। फिश तो चलिए दिखाते हैं, और बहुत ही अच्छा रेसिपी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सर और जो है पीसेस वो मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम आलू भी डालेंगे, थोड़ा सा आलू डाल के बनाएंगे फिश रेसिपी। यहाँ पे हमारा धनिया है, और यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया है टमाटर, प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी इसमें दे देंगे हम कलौंजी, और दे देंगे दो तेज पत्ते। इसको थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं, चटकने देते हैं। तो इसको हम अच्छे से अभी आलू को भून लेंगे। और इसमें हमने ले लिया है एक चम्मच हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर और मिर्ची पाउडर और नमक। तो दोस्तों अभी देखिए हमारा आलू फ्राई हो चुके हैं। अब हम जो थोड़ा आँच को कम कर देते हैं, और इसमें डाल देंगे जो सूखा पाउडर मसाला है, और थोड़ा सा फटाफट चला लेंगे ताकि जो हमारा जो रॉ स्मेल है वो ना आए। और ये बंगाली टाइप फिश है तो बहुत अच्छा लगेगा आप सबको। अब मैं डाल दूँगी इसमें जो पिसा हुआ मसाला, अब इसको हम तेल छोड़ने तक इसको पकाएंगे अच्छे से, क्योंकि हमने सब कुछ इसमें डाल दिया है ऑलमोस्ट, और इसको अच्छे से हमें पकाना है। तो आँच को अब मैं ज़्यादा कर देती हूँ। तो दोस्तों देखिए अभी हमारा जो है मसाला बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं और तेल भी छोड़ने लगे हैं। तो अभी हम इसके इस हम दे देंगे पानी। थोड़ा सा हम उबाल आने देंगे, जैसे उबाल हमारी आ जाएगी तो हम इसको डाल देंगे जो फ्राई करके रखे हैं फिश। तो दोस्तों देखिए हमारे अच्छे से उबाल आ चुकी है, अभी हम डाल देंगे इसमें फिश जो फ्राई करके हम रखे हैं फिश। तो अभी हम अच्छे से इसको उबल आने देंगे, फिर से कवर करके फिर हम डालेंगे इसमें धनिया। अब हम कवर कर दिए हैं और 5 मिनट हम इसको पकाएंगे लो आंच पर। तो अब हम कवर को हटा देते हैं। तो देखिए बहुत अच्छा सा कलर भी आया है और बहुत टेस्ट भी होगा। तो हमारा फिश करी जो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे धनिया पत्ता। तो हमारा जो रेसिपी है बिल्कुल तैयार है। तो गर्मा गर्म चावल के साथ में गर्मा गर्म फिश करी परोस के खाइए। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये रेसिपी बताइएगा ज़रूर। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बाय बाय, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो लेके फिर से हाजिर हो जाऊंगी।